दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बड़ी खबर लेकर। ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, जिन लोगों के पास दो बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर सेम है, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें आज के एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बैंकिंग अवेयरनेस के तहत। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कई तरह के जो अपडेट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल इंडिया और तमाम तरह के जो ऑनलाइन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियोज है वो अगर आपको देखते रहना है तो इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से दबा देना है। साथ में दोस्तों एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबाना है ताकि इस चैनल पर जब भी नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमेशा अपडेट जानकारी अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पर लेते रहेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आज का माइंड क्विज वाला सवाल सुन लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में? इस सवाल का आंसर जो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से जल्दी वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे स्मार्ट गाइड टीम की ओर से और उन्हें एक बंपर सरप्राइज पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि आप लोगों को ऐसे ही अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों बैंकिंग अपडेट के तहत आज का जो वीडियो है वो आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों अगर इंडिया न्यूज की बात करें तो ये देख सकते हैं आप तीन तरह की न्यूज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे उससे पहले हम एक अपडेट की बात करें, मोदी सरकार जो है वो काले धन पर रोक लगाने के अपने कई तरह के प्रयास कर रही है, नोटबंदी भी उनमें एक शामिल है। और इसी बीच अगर हम बात करें बैंक खातों की तो 10 लाख रुपए अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और उनमें जमा है तो निश्चित रूप से आपको अलर्ट और अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से कभी भी इस तरह की पूछताछ आपके साथ हो सकती है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग आपसे मांग सकता है, तो ऐसे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अलर्ट रखना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके KYC कंप्लीट नहीं है तो वो आपको करने पड़ेंगे, सभी बैंक खातों में KYC होना जरूरी है। और ऐसे में अगर आप KYC के जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं करते हैं और अगर आपके साथ भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से कुछ ऐसा हो गया और पीछे आपके परिवार वाले उस अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, नॉमिनी सिलेक्ट नहीं कर रखा तो उस अकाउंट में जरूर करें, क्योंकि अभी हाल ही की एक खबर आई थी आपको पता होगा 8,000 करोड़ रुपए बैंक खातों में पड़े हुए हैं और वो लोग जिनके बैंक खाते हैं उनके परिवार वाले नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बैंकों में जो KYC कंप्लीट नहीं है उनके, तो ऐसे में आपको भी दिक्कत हो सकती है इन द फ्यूचर। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनमें KYC कंप्लीट करें। उसके अलावा आज के अपडेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने खातों में नहीं कर पाएंगे UPI से कैश ट्रांसफर, 1 अगस्त 2018 से लगेगी रोक। दोस्तों ये भी एक बड़ा निर्णय है सरकार की ओर से और आप देख सकते हैं भीम एप्लीकेशन सभी लोग यूज करते हैं लगभग और एक ही मोबाइल नंबर से लिंक बैंक खातों के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI से लेन देन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। दरअसल यहाँ पे दोस्तों कैश बैक के चक्कर में कई लोग ऐसे फर्जी काम कर रहे थे जिसका अभी सरकार को मालूम चला है और अब सरकार ने इस लेन देन पर रोक लगाने के लिए कहा है। ऐसे तमाम लेन देन पर रोक लगाने के निर्देश है जिसमें भेजने वाले और स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति या खातों का मालिक एक ही हो, ऐसे लेन देन कैश बैक पाने की नियत से किए जाते हैं। और अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप सर्कुलर में कहा है कि जब UPI के जरिए होने वाले ऐसे लेन देन का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि अधिकतर लेन देन में डेबिट क्रेडिट खाते से लिंक मोबाइल नंबर एक ही है, ग्राहक अपने एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजते हैं, तो इस तरह का लेन देन सिर्फ UPI में चल रहे कैश बैक को पाने के लिए है और इनका कोई निहितार्थ नहीं है। ऐसे लेन देन तंत्र पर बेवजह के बोझ के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जो लोग दो अकाउंट रखकर अपना जो कैश बैक पाने की फर्जी स्कीम चला रहे थे उन लोगों के अकाउंट पे रोक लग जाएगी और इस तरह से उनका जो कैश ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा UPI से। तो आप लोगों के भी अगर साथ दो अकाउंट है और इस तरह से आप अगर कैश ट्रांजेक्शन UPI से करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको अपडेट रखने की जरूरत है। ये तमाम तरह की न्यूज हेडलाइंस अलग अलग वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, NPCI विल ब्लॉक UPI ट्रांजेक्शन बिटवीन सेम अकाउंट, तो ये इस तरह का अपडेट आपको ले लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी और अपडेट जरूर मिल गया होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स तक पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को यहीं बंद करके बाहर आ जाइए। धन्यवाद।